हाय एवरीवन, मैं हूँ सिप्रा। मेरी कुकिंग चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए आज बहुत ही इजीली इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में एकदम फटाफट बन जाएगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा, जो आप लोगों को खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर इस तरह का बनाएंगे तो। तो चलिए मैं शुरू कर रही हूँ आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले मैं एक पैन बैठा दी। पैन में मैं मार्केट से ख़रीद कर लाई हूँ पनीर है, पनीर का क्यूब है, उसको फ्राई किया हुआ ही मार्केट में मिलता है। इसको कुछ भी नहीं करना है, मार्केट से लेके आना है और थोड़ा सा बस पैन में डालकर थोड़ा सा एक दो बार चला के उतार के रख देना है। तो ये पूरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल कर रख दे रही हूँ। थोड़ा सा चाहे तो इसमें थोड़ा सा एक चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। घी डाल देने से इसका स्वाद बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, ये फ्राई हो गया है, मैं इसे दूसरा बर्तन में निकाल कर रख दे रही हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ मसाला। मसाला में देखिए फ्रेंड्स, गोटा गरम मसाला है, थोड़ा सा टमाटर है, जीरा है, अदरक है और पोस्ता दाना है और काजू है। बस इसका यही मसाला है। इसमें मैं बिना प्याज बिना लहसुन का बना रही हूँ। आप चाहे तो प्याज लहसुन ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, कढ़ाई में मैं बैठा दी। कढ़ाई में अब थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दी, इसमें एक तेज़पत्ता डाल दी फोरन के लिए। और तेज़पत्ता गरम हो गया है, तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी। अब जीरा भी थोड़ा गरम हो गया है और मसाला मैं पीस कर पेस्ट बनाकर तैयार कर रही हूँ। मसाला का पेस्ट भी देखिए, एकदम मसाला डाल दी जार में और इसका भी एक पेस्ट बनाकर रख दूंगी। इसका भी पेस्ट मिक्सी में बन रहा है। फ्रेंड्स, देखिए अब एकदम बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है ताकि वो जब ग्रेवी बने तो पनीर के साथ पूरा मिल जाए। और देखिए, तेल में मसाला डालकर इसको फ्राई करना है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, जो बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके घर का मसाला मैं डालूंगी और थोड़ा सा नमक डाल दी। नमक डाल देने के बाद अब मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। ज़रूरत अनुसार थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड कर दी, स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दी, थोड़ा काश्मीरी लाल मिर्ची ऐड कर दी। ये सब्ज़ी थोड़ा मीठा मीठा ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा तीखा का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा धनिया जीरा का पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा मैं डाल दी। डालने के बाद पूरा मसाला के साथ इसे फ्राई करना है। फ्राई करते करते मसाला के साथ तेल जब अलग होना शुरू करे, उसको थोड़ा सा टाइम लेके थोड़ा सा मसाला को फ्राई करना है। थोड़ा सा घी भी ऐड कर दे रही हूँ इसमें। घी में फ्राई है और थोड़ा सा घी ऐड कर दी, बहुत ज़्यादा घी का ज़रूरत नहीं है इसमें। फ्रेंड्स, थोड़ा सा घी डालने से इसका बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। देखिए, अब मसाला फ्राई हो गया है। अब जो घर में फ्रेश क्रीम है, मलाई दूध का जो ऊपर का मलाई होती है, वो मलाई डालना है। तो मैंने चम्मच से सब मलाई डाल दे रही हूँ। इस तरह से सारा मलाई मैं डाल दी। अब थोड़ा सा मैं दूध डाल दूँगी इसमें। दूध डाल देने से, मलाई डाल देने से तो बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। तो मसाला के साथ दूध और मलाई अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मिक्स हो जाने के बाद सारा पनीर, फ्राई किया हुआ पनीर इसमें मैंने डाल दे रही हूँ। डालने के बाद पनीर के साथ मसाला ग्रेवी एकदम अच्छी तरह से इसको मिलाना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम कर देने से इसका ग्रेवी थोड़ा सा सूख जाने का रहता है। हमको ग्रेवी ग्रेवी बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसीलिए मैं लो टू मीडियम फ्लेम में ही कर रही हूँ।
इस तरह से जब एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी ऊपर से मैंने डाल दी। कसूरी मेथी डाल देने से, अगर चाहे तो कसूरी मेथी डाले और नहीं चाहे तो कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी हाथ में क्रश करके डाल दी। इस तरह से मैं फ्राई किया हुआ पनीर का ग्रेवी बनाकर रेडी कर ली फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही अच्छा लगा है, इसका खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप लोग इस तरह से बनाएंगे तो आप लोग को भी बहुत अच्छा किचन में खुशबू, इस बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू आने लगेगी फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग को? अगर आप लोग को मेरा वीडियो, आज का वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मेरा पनीर का फ्राई किया हुआ पनीर का ग्रेवी एकदम बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। इधर मीठा पुलाव भी बनकर रेडी हो गया है। तो मैं अब सर्व कर दे रही हूँ, एक बाउल में मैं सर्व कर दे रही हूँ। कोई भी ओकेशन में इस तरह अगर बना के खाएंगे तो आप लोग को झमेला भी कम होगा, मेहनत भी कम होगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए